दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। नैना टिकर के मराठी के साथ लगते गांव नैना में पिछले 18 दिन से पानी की सप्लाई नहीं दी गई है, जिसके कारण यहां के बाशिंदों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को शौचालय तक में इस्तेमाल करने के लिए योग्य पानी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जल्द ही अगर पानी न आया तो चक्का जाम कर एकमात्र ही विकल्प रह जाएगा। उधर जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि ठंड डोली उठाऊ पेयजल योजना का पंप खराब हो गया है और जल्द ही टेक्नीशियन बुलाकर उसे ठीक करवाया जाएगा। जबकि विभाग के सहायक अभियंता संजय मोक्टा ने बताया कि उनके संज्ञान में अभी तक यह समस्या नहीं आई थी, परंतु वैकल्पिक पाइप लाइन को ठीक कर इन गाँव में पानी की सप्लाई तुरंत प्रभाव से दी जाएगी। निवासी हूँ, हमारी कंप्लेंट ये है कि हमको 15-16 दिन से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2-3 स्कीम चली हुई है, फिर भी हमको काफ़ी दिन बाद गैप के बाद फिर भी पानी आ रहा है। और जब भी हम इनके पास कंप्लेंट करें तब भी कभी इनके पंप ख़राब होते हैं और कभी इनके टैंक पे पानी नहीं होता है। बल्कि हमने इनको काफ़ी बार कंप्लेंट कर दी है कि इनका टैंक 2-3 साल से फटा हुआ है, फिर भी ये उसको रिपेयर नहीं करवाते हैं, जिसके कारण हमारे को काफ़ी पानी की दिक्कत से काफ़ी गुजरना पड़ रहा है। मैं नया टिकर स्थायी निवासी हूँ। आज हमें 18 से 20 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं। हमने कम से कम प्रशासन को 20 बार अवगत इस विषय में अवगत करा दिया है, पर हमारे कोई सुनवा नहीं हो रही। नंबर एक बात, हमने प्रशासन को आज से नहीं 50 साल से अपना पानी दे रखा है, यहाँ हमें एक बूंद पानी की नहीं मिलती। उसके बाद इनके 30,000 कैपेसिटी के लीटर के, मैं दिखा जाऊँगा, 30,000 कैपेसिटी का इनका टैंक बना हुआ और इसी 2-3 साल से फटा हुआ बिल्कुल। इसमें 2,000 लीटर पानी है सिर्फ। इस टाइम नेचुरल सोर्स से 3 इंच पानी आ रहा है, समर्सी वर्क चलाने की जरूरत नहीं है। 3 इंच पानी नेचुरल सोर्स से यहाँ आ रहा है, पर फिर भी यानी कि स्टोरेज नहीं होने की वजह से ये पानी पूरा नहीं हो रहा। और हम प्रशासन को एक अल्टीमेट देते हैं, हमने 1.5 साल पहले इसी विषय में चक्का जाम किया था, अगर एक आदमी ने हमारी सुनाई नहीं तो हम दोबारा चक्का जाम कर सकते हैं। बाकी हम आपका मीडिया का धन्यवाद करते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से थोड़ा प्रशासन को बोलना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान एक आदमी में किया जाए। धन्यवाद। मैं पंचायत समिति सदस्य नैना टिक्कर से सचिन कुमार। आज जैसे ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर बताया गया था कि 17-18 दिनों से यहाँ पर पानी नहीं आया है, स्पेशली टिक्कर गांव में जो है पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो रही है। उसके चलते यहाँ पर आज उच्च अधिकारी से भी मेरी बात हुई है और एसटीओ साहब से भी हुई है, जेई साहब से भी हुई है। उनका मुझे संतोषजनक जो जवाब है वो मिला है। मैं अभी यहाँ पर ऑन द स्पॉट मौके पर आया हूँ, जहाँ पर देखा है मैंने काम थोड़ा इन्होंने और तेज़ी से किया है शुरू अब करना। मगर दुख की बात यह है कि जो 15-16 साल से स्कीमें बंद हैं, क्या उन स्कीमों पर इन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, या मतलब इन्हें अपने जब कोई काम रुक जाता है तभी याद आता है कि हमारे पास इसका अल्टरनेट्स क्या क्या हैं। हमें मैं प्रशासन से थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि अपने जो एक्शन मोड है उसमें तब्दीली लाते हुए जो रूट कॉज है रूट कॉज के हिसाब से चलिए। रूट कॉज में आपके पास क्या क्या आता है, करेक्टिव एक्शन तो बाद में सब लेते हैं मगर प्रिवेंटिव एक्शन पहले हमें लेना चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि अपने थोड़ा स्पीड अप कीजिए। अब पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले हमें चाहिए, बिजली पानी ये बहुत मूलभूत सुविधाएँ हैं जो कि जिसके बिना लोगों का जीवन बिल्कुल ही रुक जाता है। तो प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना थोड़ा सा इस चीज़ को एक्टिव मोड में आए, और यदि हम पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते किसी को फ़ोन करते हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उसका निदान जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमारी पर्सनल खुद की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रॉब्लम लोगों द्वारा दी जाती है हमें। और लोग भी थोड़ा प्रॉब्लम अगर आती है कहीं तो इतना लोग भी एडजस्ट करते हैं, समझते हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए हर कोई साथ देता है, मगर कोई अनदेखी की वजह से अगर इतने टाइम तक चलता है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। ठाकुर स्थायी निवासी यहाँ का, और जो ये आज की चल रहा है आईपीएच का, जो हमने आईपीएच विभाग को पानी दिया है, अपना पानी दान किया है अपनी ज़मीन से, और हमें ना तो पानी मिल रहा है, हम पानी के लिए तरस रहे हैं, हमारे पशु भी, हम भी, और
साथ में जो है कि कई बार विभाग के लोगों को हमने अवगत कराया, लेकिन विभाग हमारी अनसुनी कर रहा है। मौके पर कोई आके नहीं, यहाँ पर कोई भी जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर नहीं आते, इसको नहीं देख रहे हैं कि भी ये सिस्टम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। जो छोटे वर्कर हैं उनके ऊपर जो है दबाव डाल के रखते हैं। तो मेरी विभाग से ये गुजारिश है कि एक बार यहाँ आके मौके पर आए और जो भी जितना भी सिस्टम है इसको अपने सुचारू रूप से चलाएं। हम ये नहीं चाहते कि हमने पानी दान किया तो हमको मिलना चाहिए और जनता को भी पानी मिलना चाहिए जितनी भी यहाँ जनता है, लेकिन कम से कम थोड़ा कोई जिसका तो सिस्टम होना चाहिए, कोई अलाइनमेंट होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कई बार मैंने इनको विभाग को अवगत कराया, लेकिन ये बहानेबाजी कर देते हैं कि आज लाइट नहीं, आज पंप खराब हो गया। कई सालों से मैंने जो है पंप के लिए इनके लिए रिक्वेस्ट की। हमारे जो विधायक सुरेश कश्यप रहे जो पहले अभी MP हैं, उनसे मैंने यहाँ के लिए पंप जो है वो इश्यू करा दिया था नया पंप, लेकिन विभाग ने वो पंप लगा के नहीं दिया। यहाँ अभी लगभग जो है आपका 76 या 77 में ये स्कीम यहाँ जो चली थी हमारी, तो उस टाइम से लेकर के उन्होंने 2007 या 2008 में यहाँ से जो है पुराने पंप इन्होंने चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद जो है यहाँ वो पंप नहीं आए। अभी ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मौके पर नहीं आता है, तो अभी विभाग मौके पे आए तो हमको फिर उनकी सारी बातों को समझाएंगे और ये हमारे को बताएंगे क्या है। आज मेरे घर में 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन तक मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे पशुओं के लिए पानी नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ है 88 साल की, उनको लेटरिन जाने के लिए पानी नहीं है। सरकार बोलती है कि शौचालय बना दिए गए हैं, घर घर में नलका है, लेकिन नलके में पानी नहीं है। और मैंने जो है अभी कोरोना काल में कम से कम लगभग जो है 5 महीने जो है हैंडपम्प से और गाड़ियों के माध्यम से पानी भरवा रहा के अपने घर में लेके गया। तो मेरी विभाग से ये है कि विभाग मौके पे यहाँ आए और ये मौका देखें, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। सबके लिए पानी मिलना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि भी औरों को नहीं मिलना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नैना टिक्कर से हेमंत गर्ग की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।